हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे HDFC का जो क्रेडिट कार्ड होता है उसके पॉइंट जो होते हैं उसको कैश में कैसे रिडीम करें। इसे करने का बड़ा आसान तरीका है, बस आप वीडियो को पूरा देख लेना, आपको खुद ही करना आ जाएगा। इसके लिए सिंपली आपको गूगल पे चले जाना है और उस पर HDFC नेट बैंकिंग सर्च कर लेना है। जैसे आपकी वेबसाइट खुल जाएगी उसमें से आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर्सनल बैंकिंग पे क्लिक कर लेना है और इसको क्लिक करके आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करके कस्टमर आईडी डाल लेना है और कस्टमर आईडी डाल के आपको कंटिन्यू कर लेना है और यहाँ पे पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा, आपको सबसे ऊपर में जो लाइन दिख रही है उसमें से जो कार्ड वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके लेफ्ट हैंड में जो क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है उसके इंक्वायर पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इंक्वायर पे क्लिक कर लेते हो तो आपको उसमें सेकंड लास्ट ऑप्शन दिखेगा, रिडीम रिवॉर्ड पॉइंट्स, उस पर क्लिक कर लेना है। जो भी आपका कार्ड होगा उसका आपको उधर यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगी। उस कार्ड के सामने वाले बॉक्स पे आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। अब जैसे ही कंटिन्यू कर लेते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आपने आपको पॉपअप ब्लॉगर के बारे में बोला गया है। अगर आपका ये चालू नहीं होगा तो आपको गूगल पे जाके उसको चालू करना पड़ेगा, उसके बाद ही कंटिन्यू कर लेना, तभी आपका प्रोसेस आगे सही से हो पाएगा। इसके लिए आपको फिर से गूगल पे जाना पड़ेगा और यहाँ के थ्री डॉट पे आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपको सेटिंग में चले जाना है। जैसे ही आप सेटिंग को क्लिक कर लेते हो आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और साइट और सेटिंग वाला जो ऑप्शन है उस पे आपको क्लिक कर लेना है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे फिर से स्क्रॉल कर लेना है और उसमें पॉपअप एंट्री डायरेक्ट उसको ढूंढ के उसको क्लिक करना है। यहाँ से उसे ऑन कर लेना है और आपका पॉपअप का जो सेटिंग है वो अभी यहाँ पे पूरा हो जाता है। इसके बाद आपको फिर से HDFC के लॉगिन पेज पे आ जाना है और कंटिन्यू कर लेना है। जैसे ही आप कंटिन्यू कर लेते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा और इसके राइट हैंड साइड पे जितने भी आपके रिवॉर्ड पॉइंट होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको रिडीम रिवॉर्ड पॉइंट पे क्लिक कर लेना है और कैश रिडीम पे आपको क्लिक कर लेना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपके पॉइंट्स के पैसे कितने बन रहे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहे तो पूरा का पूरा रिडीम कर सकते हो या आप जितने भी पॉइंट चाहते हो उतने आप रिडीम कर सकते हो। इसके लिए आपको जितने भी पॉइंट रिडीम करने हो उतने पॉइंट्स यहाँ पे आप डाल लेना और वो आपकी कितनी कैश बन रहा है वो आपको दिखा देगा। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर देना। जैसे आप प्रोसीड कर देते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ पे जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है उसको आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद रिडीम नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। आपको फिर से ये ऑर्डर कंफर्म के बारे में पूछेगा तो आप उसको कंफर्म कर देना। जैसे आप कंफर्म कर देते हो तो आपका ऑर्डर नंबर जनरेट हो जाता है और इसके बाद ये जो पैसे हैं आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में 2-3 दिन में जमा हो जाते हैं। इसी तरह प्रोसेस करके आप आपके पॉइंट्स कैश में रिडीम कर सकते हो और वो कैश कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप चाहते हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।